कैसे लड़कों को आपने अपना मकान किराए पे दे रखा है? क्यों जी, क्या हो गया? सारा दिन नंगे पुंगे घूमते रहते हैं, कभी बालकनी में आ जाते हैं तौलिया उतारने के लिए, कभी घर के बाहर चले जाते हैं अखबार लेने के लिए, कभी वापस बालकनी में चले जाते हैं कच्छा उतारने के लिए। अरे अपने घर में ही करते हैं ना जो भी करते हैं, आपके घर में आके तो नहीं करते ना। अपने घर में जो मर्जी करे वो, आप देखते क्यों हो उन्हें? देखते नहीं है, दिख जाते हैं, आंखें बंद करके थोड़ी घूमेंगे। हमारे घर में लड़कियां रहती है, फैमिली रहती है, शर्म लिहाज बिल्कुल भी नहीं है। अरे तो मैं इसमें क्या कर सकता हूँ? अब उनको मैं अपने घर में नंगा पंगा घूमने से मना थोड़ी कर सकता हूँ, जैसे मर्जी घूमे। अरे घर में जैसे घूमना है, नंगे घूमना है, बिना कपड़ों के घूमना है घूमे, बाहर आए तो कम से कम कपड़े तो पहन के आए। देखिए ऐसा है, मैं किसी पे रोक टोक नहीं लगाता, और वैसे भी वो बड़े शरीफ लड़के हैं, और किसको आजकल रोक टोक पसंद है? आप बताओ, आपको मैं मना कर दूं ऐसा टॉप मत पहनो, कट स्लीव मत पहनो, सूट पहनो, आप पहनोगे? जब लड़कियां अपने मन के कपड़े पहनती हैं तो लड़के भी अपने मन की करते हैं। मैं कुछ नहीं बोल सकता जी, आपको अगर दिक्कत हो रही है ना, फिर भी आपको आते जाते कभी भी लड़के मिलेंगे तो उनको बोल देना आप। हाँ आप एक काम करो, उनको यही बुलाओ, मैं उनसे यही बात करूंगी। बुला देता हूँ, बोल दो आप। हाँ जी भैया, क्या हुआ? इन्हें देखिए, अभी भी ये ऐसे ही आए नंगे। क्या दिक्कत है इसमें? बढ़िया तो पहना है, अगले ने इतने बढ़िया शॉर्ट्स पहन रखे, उन्होंने टॉवल लपेट रखा है। लड़कियां जैसे मर्जी घूमे, लड़के बेचारे सैंडो में भी नहीं घूम सकते। ये तो आप देखो जी, गलत बात कर रहे हो। कहाँ से लिए हो ये शॉर्ट्स? एक मेरे लिए भी मंगा दिए भाई। ठीक है जी, मंगा दो। एक काम करना, एक टॉवल भी इनके लिए मंगा देना। टॉवल है मेरे पास, आप अपनी बात करिए जो आपको करनी है। तुम लोग भाई बालकनी में ऐसे क्यों आते हो आधे अधूरे कपड़े में? जब भी बालकनी में आया करो ना, पूरे कपड़े पहन के आया करो। क्या फैमिलीज रहती है? हम अपनी तो बालकनी में कच्चे में आते हैं। और दीदी, हमने आपको कभी कुछ बोला क्या, या आपकी फैमिली को कभी कुछ बोला? अगर कुछ बोला तब कंप्लेंट करो आप ना। देखिए जी, मैं तो कह ही रहा था, लड़के बड़े शरीफ हैं, आज तक कोई कंप्लेंट नहीं आई। ये आप पहले हो जो कंप्लेंट लेके आए हो, और अभी भी देखो आप बोल रहे हो उनके कपड़ों के बारे में, लेकिन कुछ गलत है नहीं, जो है सही है, एकदम बढ़िया लग रहे हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आओ भाई बैठो यार, तुम आओ ना। अच्छा एक बात बता यार, ये शॉर्ट लिए कहाँ से तूने? बस बगल वाली दुकान से लिए थे। मेरे लिए मंगा दिए थे, भूलियो मत बिल्कुल। कुर्ता पहन पहन के ना अंकल समझते लोग। सुबह आपके यहाँ दूध वाला आता है ना, आपकी बहन उसे दूध लेती है, वो कच्छे में आएगा, मैं उसको जानती हूँ, उसको मैं बोलूंगी जब भी आपके यहाँ आए ना, वो कच्छे में ही दूध देने आए, फिर मैं देखती हूँ कि आपको कैसा लगता है। और तुम लोग यहाँ अकेले रहते हो ना, बैचलर्स लाइफ जी रहे हो, और कहीं पे तो तुम्हारी मम्मी होगी ना, जो घर से बाहर जाती होगी सामान लेने, तुम्हारे घर आता होगा अखबार वाला दूध वाला, वो कच्छे में आएगा, फिर मैं देखती हूँ कि तुम लोगों को कैसा लगता है। नहीं नहीं जी, हमें समझ आ गया, आगे से हम बिना कपड़ों के बाहर नहीं आएंगे। देखिए मैंने तो कहा लड़के बड़े समझदार हैं, अपने आप ही अपनी गलती मान गए। ठीक है भाई, अब से बालकनी में कच्चे में नहीं जाना, कपड़े पहन के जाना है। ठीक है, सॉल्व कंप्लेंट।